दोस्तों, तो आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे पोको F1 की, जिसे मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था, लेकिन प्राइस अभी काफ़ी कम हो गई तो इसलिए मैंने इसका वीडियो पोस्ट करना उचित समझा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो भैया, अभी भी ये फ्लैगशिप किलर है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 845 के साथ आने वाला फ़ोन पहला फ़ोन ही है जो कि 15,000 के नीचे मिलता है। और इसमें काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि गेम टर्बो, और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया गया। 4K 60 FPS तक की इसकी में रिकॉर्डिंग दी गई है, जो कि किसी भी 15,000 के नीचे या 15,000 से 16,000 के बीच वाले फ़ोन में नहीं आता है। तो इसलिए ये फ़ोन अपने आप में एक यूनिक है। तो डब्बा खोलने पे यही मिलेगा, लीफलेट जो कि कोई काम का नहीं है, और ये एक सिलिकॉन का केस जो कि वो भी काम का नहीं है। सिलिकॉन केस भी एकदम पतला सा, एकदम बेकार सा केस दिया गया है। पता नहीं Xiaomi क्यों ऐसा करता है, लेकिन अपना मेन तो डिवाइस ही है। कुछ फीचर इस पर मेंशन किया, जैसे कि लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी और स्नैपड्रैगन 845 या 20 MP का फ्रंट कैमरा, और ये है USB Type-C केबल। ये अच्छा है, लेकिन 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। ये मेरा फेवरेट कलर रोजो रेड, और आपका कौन सा कलर फेवरेट है वो कमेंट करके बता सकते हैं। और एक फीचर और इसमें ऐसा है जो कि आपको 30,000 से अबव वाले फ़ोन में मिलेगा, जो कि इससे जैसे कि IR फेस अनलॉक, जो कि डीप डार्क मतलब पूरे अंधेरे में भी काम करता है और एक्यूरेट काम करता है। इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो इसके फेस अनलॉक पे। मैंने 128 GB वाला वेरिएंट ऑर्डर दिया था, तो इसमें 117 GB ईजिली अवेलेबल था, तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। और जब ये डिवाइस आप डब्बे से निकालोगे तो ये ऑडियो यानी 8.1 के साथ ही मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें PQ और R और आगे तक का अपडेट इसमें मिलेगा, ऐसा मैंने उसके सर्विस सेंटर वाले नंबर पर कॉल करके पता किया था। हालांकि अभी इसमें MIUI 11 का सपोर्ट आ गया है, तो आप ऊपर में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो।
और इसमें 4K 30 60 FPS, 1080 पे 30 और 60 FPS, और HD 720 30 FPS भी मिलता है, सपोर्ट दिया गया है वीडियो में। और इसमें स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है, तो एक ये माइनस पॉइंट है। और दोनों फ्रंट और रियर दोनों कैमरे में अच्छे से वर्क करता है EIS। और ये है कुछ कैमरा सैंपल, इसे मैंने इसी डिवाइस से खींचा है, ये नॉर्मल पिक्चर है, काफ़ी अच्छे से कलर शो करता है इसमें। ये एक पोर्ट, ये भी नॉर्मल पिक्चर है, और ये है पोर्ट्रेट पिक्चर, काफ़ी अच्छे से ब्लरिंग देता है इसमें। ये एक नॉर्मल पिक्चर है, बिल्डिंग कलर काफ़ी अच्छे से शो कर रहा है, ये एक पोर्ट्रेट पिक्चर है। और ये एक नॉर्मल पिक्चर है, ये भी एक नॉर्मल पिक्चर है जिसे फ्रंट कैमरे से मैंने खींचा है, और ये एक पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे से ब्लर करता है कॉर्नर से। ये 960 FPS पे रिकॉर्ड किया गया स्लो मोशन। और वीडियो सैंपल नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एरिया में। ये पबजी में आपको स्मूथ पे स्ट्रीम तक मिलेगा, यानी 60 FPS तक की गेमिंग मिलेगी इस डिवाइस में, जो कि और कोई भी डिवाइस में मिलेगा नहीं, इतने 15,000 के अप्रोक्स वाले में नहीं मिलेगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कभी कभी इस टाइप के वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।